देखिए, सरकार ने देश की जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है, ये युद्ध है ना। तो युद्ध में दोनों तरफ से लोग अपने अपने हथियार लेकर रखे हुए हैं। जनता के पास जो हथियार है वो उसके अधिकार है, उसका संविधान है, हमारा संविधान ही हमारा हथियार है। लेकिन सरकार जो हथियार इस्तेमाल इस युद्ध में करना चाह रही है वो है पुलिस फौज का, झूठ का, अफवाह का। और जो लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली में ये जो बीजेपी की हार हुई है या आम आदमी पार्टी जो जीती है उसका सिर्फ कारण है बिजली पानी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। चुनाव दिल्ली का हुआ वो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की लड़ाई थी, है ना। तो वहाँ पे नफरत की हार हुई है। तो 1930 में जब हिटलर सत्ता में आया था तो उसने एक कानून बनाया था वहाँ पे, यहूदियों को और गैर यहूदियों को अलग करने का कानून, डिवाइड कैसे कर सकते हैं ये कानून बनाया था। और उस समय आरएसएस की जो पत्रिकाएं हैं वहाँ पे लिखा गया था कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हिटलर जो है वो यहूदियों का सफाया कर रहा है, हिंदुस्तान को उससे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। बिहार में भी हम लोग सघन अभियान करेंगे और बहुत ही जल्दी बिहार में कॉल लिया जाएगा बिहार विधानसभा घेराव का। और हमारी ये मांग रहेगी नीतीश कुमार से कि आप या तो बिहार से NPR को ख़त्म कीजिए, विधानसभा से इसको पारित कीजिए, या फिर इस्तीफा दीजिए। और 3 तारीख को दिल्ली में जो एक वहाँ पे जो एकजुट होना है रामलीला मैदान में, और इसमें कम से कम 80 से ज़्यादा लगभग 100 स्टूडेंट संगठन, और स्टूडेंट संगठन के साथ साथ जो अलग संगठन है, जो प्रोग्रेसिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे देश से लोग उसमें एकत्रित हो रहे हैं। और देखिए, सरकार ने देश की जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है, ये युद्ध है ना। तो युद्ध में दोनों तरफ से लोग अपने अपने हथियार लेकर रखे हुए हैं। हमारे पास जो हथियार है, जनता के पास जो हथियार है वो उसके अधिकार है, उसका संविधान है, हमारा संविधान ही हमारा हथियार है। लेकिन सरकार जो हथियार इस्तेमाल इस युद्ध में करना चाह रही है वो है पुलिस फौज का, झूठ का, अफवाह का, हिंसा का, नफरत का, इसका हथियार सरकार इस्तेमाल कर रही है। हमारा हथियार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़ाई आमने सामने की है। हम देश की नागरिकता को, देश के संविधान को और भारत होने का जो मतलब है उसके इसेंस को हम लोग बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़े दिल्ली के इलेक्शन में दिल्ली की जनता ने जवाब दिया है नफरत को, तो आने वाले दिन में बिहार में भी इलेक्शन है, तो क्या बिहार में वो नफरत? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली से पहले बल्कि झारखंड ने जवाब दिया, झारखंड ने जवाब दिया, दिल्ली ने जवाब दिया। और जो लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली में ये जो बीजेपी की हार हुई है या आम आदमी पार्टी जो जीती है उसका सिर्फ कारण है बिजली पानी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सिर्फ बिजली पानी के मसले से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसमें बड़ा मसला है कि ये जो चुनाव दिल्ली का हुआ वो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की लड़ाई थी, है ना। तो वहाँ पे नफरत की हार हुई है। सिर्फ बिजली पानी का जीत हो जाता तो बीजेपी कई जगह पे बिजली पानी दे सकता है। हम बिजली पानी हमारे लिए इश्यू है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि देश की एकता, देश की अखंडता, देश की जनता का जो अपना गरिमा है, नागरिक होने का जो अपना मतलब है, वो कैसे सुरक्षित रहे। क्या नाम होगा? संदीप सौरभ। जिस तरह से आप अपना नाम बता रहे हैं, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी कपड़ा देखकर पहचान लेते हैं कि कौन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो देखते ही हैं कैसे हैं। प्रधानमंत्री में और गृह मंत्री में तो कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना झूठ बोल सकता है, कौन कितना मक्कारी कर सकता है, है ना। तो वो तो अलग आदमी है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जिस देश की सरकार होती है वो सरकार देश के हित में कोई फैसला लेती है, तो तमाम छात्र संगठन या फिर युवा जिस तरह रोड पर सड़कों पर आ गए हैं, तो क्या ये सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं या फिर अपने देश के हक में खड़े हो रहे हैं? देखिए, हम तो सरकार के खिलाफ और देश के हक में, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस समय हिंदुस्तान के अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत एक हो गई हैं। आपको इस सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का ये जो प्रोपेगेंडा है CNRC NPR, ये एक तरह का जेरोक्स है। 1930 में अगर आप देखेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, तो 1930 में जब हिटलर सत्ता में आया था तो उसने एक कानून बनाया था वहाँ पे, यहूदियों को और गैर यहूदियों को अलग करने का कानून, डिवाइड कैसे कर सकते हैं ये कानून बनाया था। और उस समय आरएसएस की जो पत्रिकाएं हैं वहाँ पे लिखा गया था कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हिटलर जो है वो यहूदियों का सफाया कर रहा है, हिंदुस्तान को उससे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और आज वो लोग वही सबक ले रहे हैं। आज जब इनको सत्ता मिली है तो हिटलर का A to Z चीज़ें जेरोक्स चल रही हैं। तो जर्मनी की जनता जो है वो आज अफसोस करती है, उनको शर्म आती है कि हम लोग का जो पुरानी पीढ़ी थी, अगर उस समय हम लोग हिटलर के खिलाफ खड़े हो गए होते मजबूती के साथ, तो 3 करोड़ लोगों की हत्याएं नहीं होती, डिटेंशन कैंप में ऐसे लोग नहीं मारे गए होते। और हमारा मानना है कि हिंदुस्तान की जनता वो नौबत नहीं आने देगी, हम लोग नहीं ऐसा सोचेंगे कि कास्ट लड़े होते। इसलिए आज देश की जनता सड़क पे है, हम लोग लड़ रहे हैं। रामलीला मैदान भरो, इस कॉल के साथ साथ हम लोग देश भर में और बिहार में खास करके फोकस करके
एनपीआर जो हमारा तात्कालिक मुद्दा है उसके खिलाफ एक मजबूत अभियान हम लोग लेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं और बार बार गृह मंत्रालय ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि जो एनपीआर है वो एनआरसी का ही पहला स्टेज है, और हम देख रहे हैं कि बिहार में सरकार जो है वो जनता को बहुत भयानक तरीके से गुमराह कर रही है। वो करे कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे लेकिन एनपीआर के लिए हामी भर रही है। तो अभी एनपीआर के अंदर जो चीज़ें हैं कि आपका नागरिकता अगर कोई सरकारी कर्मचारी ने डाउटफुल ग्रुप में डाल दिया, डी ग्रुप में अगर डाल दिया, तब आपको अपना एनआरसी में नाम दर्ज करवाना होगा, फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाना होगा, और यही एनआरसी है, एनआरसी में यही मामला है। तो इसलिए बिहार में भी हम लोग सघन अभियान करेंगे और बहुत ही जल्दी बिहार में कॉल लिया जाएगा बिहार विधानसभा घेराव का। और हमारी ये मांग रहेगी नीतीश कुमार से कि आप या तो बिहार से एनपीआर को ख़त्म कीजिए, विधानसभा से इसको पारित कीजिए, या फिर इस्तीफा दीजिए। ये भी अभियान हम लोग लेंगे। 3 तारीख को दिल्ली में जो एक वहाँ पे जो एकजुट होना है रामलीला मैदान में, और इसमें कम से कम 80 से ज़्यादा लगभग 100 स्टूडेंट संगठन, और स्टूडेंट संगठन के साथ साथ जो अलग संगठन है, जो प्रोग्रेसिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे देश से लोग उसमें एकत्रित हो रहे हैं। और इसका जो एक मैसेज है, जो एक सॉलिड मैसेज देना है गवर्नमेंट के साथ साथ देश के सभी लोगों को, कि जो अभी लोगों के मन में फैलाया जा रहा है कि ये जो CAA, NRC और NPR आया है ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, नहीं, इसका अभी जो एक यहाँ पे बैठक किया गया है, इस बैठक के तरफ से ये आप मीडिया बंधु के द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो नियम आया है, ये जो संशोधन अधिनियम आया है, ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है बल्कि ये पूरे नागरिकों के लिए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। सरकार जो लोगों को क्या है कि डाइवर्ट करके लोगों का जो एजेंडा, जो उसके ऊपर सवाल किया जाना चाहिए था, रोजगार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर, उसको भटका करके वो क्या करिए कि आज धर्म की आड़ लेकर के लोगों को उसमें उलझा करके रखी हुई है और मूल मुद्दा से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बची हुई है। रामलीला मैदान में देश के सारे छात्र युवा संगठन और जो CAA, NRC, NPR के खिलाफ जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, वहाँ से नौजवानों का एक जत्था दिल्ली पहुँचेगी और वहाँ से दिल्ली में सरकार के ऊपर हम प्रेशर बनाएंगे कि ये जो संविधान विरोधी और नागरिकता विरोधी कानून है इसको आप तुरंत वापस लीजिए, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि CAA, NRC और NPR इस देश की ज़रूरत नहीं थी, देश के तमाम सारे मसले चल रहे थे, उस बीच में BJP ने संविधान को ख़त्म करने के लिए और देश की जनता में हिंदू मुसलमान का एक दीवार पैदा करने के लिए ये कानून लाया। जहाँ तक शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात है, तो हम देख रहे हैं कि CAA से पहले भी ऐसे कानून थे जहाँ पे आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए किसी भी अल्पसंख्यक को आप नागरिकता दे सकते थे। ये जानबूझकर के 3 देशों को चुनना और CAA कानून लाना, ये इसका सिलेक्शन से लेकर के पूरा प्रोविज़न जो इस कानून में है वो घोर सांप्रदायिक है।